चलती ट्रेन से फिल्मी स्टाइल में सोने के बिस्किट व अन्य आभूषण पार करने के मामले में जीआरपी ने लूट के 8वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी ने आरोपी से 65 लाख का 1 किलो 700 ग्राम सोना भी बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए एएसआई मनोज सिंह ने बताया कि जीआरपी ने चलती ट्रेन से लाखों रुपए के कीमती सोने के गहने व बिस्किट चोरी करने के मामले में गुजरात अहमदाबाद से भावेश को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी सोने को ठिकाने लगाने व बेचने का आरोपी है। पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों से 2 किलो 256 ग्राम सोना और 650 ग्राम चांदी का माल बरामद कर लिया है। वहीं इस मामले में 7 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी भी पूरे मामले में 3 मुख्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीम अपना काम कर रही है। वहीं माल की बरामदगी का प्रयास भी किया जा रहा है। मामला 6 जनवरी 2019 का है। तब उदयपुर बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन से सभी आरोपियों ने योजनाबद्ध रूप से परिवादी यश गोल्ड के कर्मचारी नरेंद्र कुमार विपुल रावत द्वारा ले जाए जा रहे सोने को चुराया और मौके से ही फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जीआरपी थाना चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 5/19 में माननीय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती नीना सिंह जी व पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता धनखड़ जी के आदेशानुसार व एडिशनल एसपी श्री भोलाराम जी यादव के निर्देशानुसार गठित टीम द्वारा प्रकरण में 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम भावेश सोनी पुत्र श्री शिवलाल जाति सोनी उम्र 30 साल निवासी अंडोर पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही का रहने वाला है। इसकी निशादेही पर अहमदाबाद स्थित 3 फर्में श्रीजी टंच कर्णावती टंच व दीप ज्वेलर्स से 1 किलो 700 ग्राम सोना बरामद किया गया है। 2 फर्म जय माता दी बुलियन व मेहुल बुलियन के मालिक अपने अपने फर्म से रूपोश हो गए हैं, जिनसे 3 किलो जय माता दी वाले से और 1 किलो 200 ग्राम से मेहुल बुलियन से बरामद किया जाना शेष है। वारदात में यह है कि जो मैन अभियुक्त थे दीपक जोशी सुरेश बिश्नोई वगैरह, उनसे इसने माल लेकर के और अहमदाबाद में बेचा था। अहमदाबाद में भी बेचने का कारण ये था कि इसकी पहले खुद की और इसके भाई की दुकान थी। 2015 में इसने वो दुकान बंद कर दी और वहाँ पे इसकी अच्छी जान पहचान थी, तो आराम से इसने वहाँ वो सोना खपा दिया। इसको सिरोही से गिरफ्तार किया था। अभी इसमें एक मुकेश बिश्नोई है मैन वारदात में शामिल, तो जो था एक तो मुकेश बिश्नोई है और एक रमेश चंद बिश्नोई है, ये अभियुक्त बाकी हैं। इसके अलावा जो 2 फर्म वाले फरार हुए हैं वो बाकी हैं।